हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। मैं विक्रम, आपका कॉमर्स टीचर फ्रॉम विवियन सर कॉमर्स क्लासेस। बेटा, जैसे कि आपको पता ही, हमने यूनिट नंबर 5 ऑर्गेनाइजिंग सुभाष देसर की बुक से स्टार्ट कर रखी थी और इस यूनिट का आज हमारा लास्ट लेक्चर था। लेकिन हम इस लेक्चर को दो हिस्सों में बांटेंगे। लास्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे डेलीगेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन के बारे में, उनकी इम्पोर्टेंस को चेक करेंगे, और दूसरा फिर इस टॉपिक से रिलेटेड पार्टिकुलरली जो क्वेश्चंस और केस स्टडीज हैं वो हम अपनी कल की क्लास में कंटिन्यू करेंगे। तो कल हम इसका लास्ट लेक्चर रखेंगे और कल हमारी यूनिट नंबर 5 कंप्लीट हो जाएगी। इससे पहले हम 4 यूनिट रिकॉर्ड कर चुके हैं, 4 यूनिट की क्लास लाइव ले चुके हैं। तो आपने अगर तक वो क्लासेज नहीं देखी है तो उन क्लासेज को आप एक बार जरूर देख लें, ताकि आपकी कॉन्टिन्यूटी बने, आपका सिलेबस कॉन्टिन्यू रहे। और आज हम अपनी क्लास को कॉन्टिन्यू कर रहे हैं डेलीगेशन डिसेंट्रलाइजेशन के इंपोर्टेंस से, मीनिंग कॉन्सेप्ट और डिफरेंसेस बिटवीन डेलीगेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन हमने कल की क्लास में डिस्कस किया था। उस क्लास को एक बार जरूर देख ले, उसी से ये इंटरलिंक्ड है। अगर वो आपने अब तक नहीं देखे तो उसको जरूर देखें, और इस क्लास का लिंक अपने दोस्तों से शेयर करना मत भूलिएगा। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं, मैं आपके साथ स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। चलिए, डेलीगेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन ये हमारा टॉपिक था जिसके बारे में हम लोगों ने लास्ट डे डिस्कशन किया। इसका डेलीगेशन और डिसेंट्रलाइजेशन में हमने क्या डिस्कस किया था कि भी डेलीगेशन का कॉन्सेप्ट क्या है। इसके बारे में हमने ये समझा था कि ट्रांसफर ऑफ अथॉरिटी होती है फ्रॉम ए सुपीरियर टू सबोर्डिनेट, फ्रॉम ए सुपीरियर टू सबोर्डिनेट, ये क्या है, एक ट्रांसफर ऑफ अथॉरिटी माना जाता है, जिसमें हम 3 बातों को शामिल करते हैं। एक तो अथॉरिटी को, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी को और एक अकाउंटेबिलिटी को। ये 3 बातें इसमें शामिल की जाती हैं और इन तीनों को हम इसके इम्पोर्टेंट एलिमेंट के तौर पर समझते हैं कि भाई अथॉरिटी क्या होती है, अथॉरिटी क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है और अकाउंटेबिलिटी क्या है। इन 3 बातों को हम यहाँ पर बेसिकली डिस्कस करके चलते हैं। और उसके बाद हमने बात की थी कि भाई जो ये 3 एलिमेंट हैं वो किस तरीके से हमारे जो है ना डेलीगेशन प्रोसेस को कंप्लीट करते हैं। इन 3 एलिमेंट में रिस्पॉन्सिबिलिटी, अथॉरिटी और अकाउंटेबिलिटी में मैंने आपको बताया था कि जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो ड्यू टू ऑफ अथॉरिटी अराइज होती है, और जो अकाउंटेबिलिटी है वो ड्यू टू ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी अराइज होती है। तो अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी को आपने यहाँ पर समझा। उसके बाद हमने बात की थी कि भाई जो तीनों एलिमेंट्स हैं उनके बीच में क्या रिलेशनशिप है, अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी में आपसी में क्या संबंध है, मीनिंग, ओरिजिन, फ्लो एंड डेलीगेशन के आधार पर। आज हम लोग डिस्कस करेंगे इसके प्रिंसिपल ऑफ डेलीगेशन, प्रिंसिपल्स ऑफ डेलीगेशन को डिस्कस करेंगे। साथ साथ हम ये देखेंगे कि इसकी इंपॉर्टेंट रोल क्या है। तो आइए स्टार्ट करते हैं, प्रिंसिपल्स ऑफ डेलीगेशन क्या होते हैं। प्रिंसिपल ऑफ डेलीगेशन के बारे में अगर बात करें तो डेलीगेशन के सिद्धांतों के बारे में हम बात कर रहे हैं, जिसमें कुछ जनरल गाइडलाइंस हमारे पास हैं। उन गाइडलाइंस को फॉलो करते हुए हम ये समझते हैं कि भाई इन सिद्धांतों से हमें क्या बेनिफिट होने वाला है, या किस प्रकार से डेलीगेशन हमारे लिए इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो सबसे पहला जो प्रिंसिपल है डेलीगेशन का वो ये है कि फॉर इफेक्टिव डेलीगेशन द अथॉरिटी ग्रांटेड मस्ट बी कम्युनिस्ट्रेट विद द असाइंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज। मीन्स अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रिंसिपल हमें यहाँ फॉलो करना है कि जब भी इफेक्टिव डेलीगेशन यदि हमें करना है तो अथॉरिटी हम उसको ग्रांट करें जो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को, जिनको जिनको हमने कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी असाइन की है और वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को प्रॉपरली करने के लिए तैयार भी है। एन इम्पॉर्टेंट कंसिडरेशन इज टू बी कैप्ट इन व्यू विद रिस्पेक्ट टू बोथ अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी इज दैट व्हेन एन एम्प्लॉई इज गिवन रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर ए जॉब, जब किसी एम्प्लॉई को कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है किसी जॉब के लिए, ही मस्ट ऑल्सो बी गिवन द डिग्री ऑफ अथॉरिटी। तो उसको वो काम करने के लिए सेम लेवल तक अथॉरिटी भी दी जाती है ताकि वो उसको कैरी आउट कर सके। एंड फॉर इफेक्टिव डेलीगेशन, और इफेक्टिव डेलीगेशन के लिए जरूरी क्या है, अथॉरिटी ग्रांटेड मस्ट बी कम्युनिस्ट्रेट विद द असाइंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी कि वो इसके साथ कंपनसेट करती हो, या कम्युनिस्ट्रेट विद असाइंड रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब है जितनी आपने रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी को दी है उसी के इक्विवेलेंट आप उसको अथॉरिटी भी दें। इन दोनों में एक बैलेंस होना चाहिए, ऐसा ना हो कि हम किसी को रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा दे दें और अथॉरिटी कम दे दें, या किसी को रिस्पॉन्सिबिलिटी कम दे दें और अथॉरिटी ज्यादा दे दें। अगर ऐसा किया जाएगा तो क्या होगा, अगर किसी को रिस्पॉन्सिबिलिटी हमने ज्यादा दे दी और उसको काम करने के लिए अथॉरिटी हमने कम दे दी तो काम इफेक्टिव तरीके से हो ही नहीं पाएगा। दूसरा ये कहना चाहता है, अगर आपने किसी को रिस्पॉन्सिबिलिटी कम दे दी और अथॉरिटी आपने ज्यादा दे दी तो भी काम हमारा इफेक्टिव वे में नहीं हो पाएगा। तो इफेक्टिव इफेक्टिव डेलीगेशन ऑफ द अथॉरिटी के लिए क्या जरूरी है कि जो असाइंड ड्यूटीज हैं, असाइंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं,
उनके साथ जो अथॉरिटी है वो कम्युनिस्ट्रेट करनी चाहिए। कम्युनिस्ट्रेट मतलब बैलेंस्ड होनी चाहिए, मैच करनी चाहिए, ताकि काम इफेक्टिव वे में कंप्लीट हो सके। अगर कहता था सिर्फ अथॉरिटी ग्रांटेड इज मोर देन रिस्पॉन्सिबिलिटी, इट मे लीड टू मिस यूज। अगर ऐसा होगा तो क्या होगा कि अथॉरिटी का गलत यूज होगा, और अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी असाइंड इज मोर देन अथॉरिटी तो क्या होगा, इट मेक पर्सन इनफेक्टिव, वो व्यक्ति को इनफेक्टिव बना देगा, वो अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव ही नहीं कर पाएगा। अनीस, क्या ये बात आपको समझ में आई? यस अनीस, प्रिंसिपल ऑफ डेलीगेशन में क्या पहला प्रिंसिपल आपको समझ में आया? यस सर, क्या है पहला प्रिंसिपल हमारा? इफेक्टिव डेलीगेशन, फॉर इफेक्टिव डेलीगेशन द अथॉरिटी ग्रांटेड मस्ट बी कम्युनिस्ट्रेट विद द असाइंड असाइन रिस्पॉन्सिबिलिटी। रिस्पॉन्सिबिलिटी। क्या मतलब हुआ कि जो ये कम्युनिस्ट्रेट वर्ड है, इसका क्या मतलब हुआ यहाँ पर कि दैट शुड बी बैलेंस्ड विद रिस्पॉन्सिबिलिटी, है ना? वो रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ बैलेंस होना चाहिए। जितनी आपने रिस्पॉन्सिबिलिटी असाइन की उतनी ही आप उसको अथॉरिटी भी देंगे काम करने के लिए। अगर ये कम ज्यादा हुई तो क्या जो है क्या इसका इल इफेक्ट होगा, क्या इसका बुरा प्रभाव होगा कि अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा हो गई तो वो इनइफेक्टिव बन जाएगा, अथॉरिटी ज्यादा हो गई तो वो उसका मिस यूज करेगा। दोनों में बैलेंस होना चाहिए, दोनों बराबर इक्विवेलेंट इक्विवेलेंट हमें देनी चाहिए। दूसरा प्रिंसिपल क्या कहता है? द अथॉरिटी ग्रांटेड टू अ सबोर्डिनेट कैन बी टेकन बैक एंड रीडेलीगेटेड टू अनदर पर्सन। इसका क्या मतलब है? इसका सिंपल सा मतलब है कि जब भी आप किसी पार्टिकुलर कैंडिडेट को, सबोर्डिनेट को अथॉरिटी ग्रांट करते हैं तो ये कोई जरूरी नहीं है कि भाई वो उसके पास ही रहेगी। इट कैन बी टेकन बैक, ये वापिस भी ली जा सकती है अगर वो व्यक्ति अपने काम को प्रॉपरली नहीं कर पा रहा है तो। इफ द सबोर्डिनेट फेल्स टू परफॉर्म द असाइंड टास्क, द अथॉरिटी ग्रांटेड टू हिम और हर कैन बी टेकन बैक एंड रीडेलीगेटेड टू अनदर पर्सन। दिस इज द सेकेंड प्रिंसिपल ऑफ डेलीगेशन। ये सिंपली क्या बताना चाह रहा है कि भाई अथॉरिटी को रीडेलीगेट भी किया जा सकता है। थर्ड वन है, डेलीगेशन डज नॉट मीन एबडिकेशन। वट इज एबडिकेशन हेयर? प्रिंसिपल ऑफ एब्सोल्यूटनेस ऑफ अकाउंटेबिलिटी। यानी कि आप जो है डेलीगेशन जो करते हैं किसी चीज का, तो उसका मतलब ये नहीं है कि आपने उसको कंप्लीट तौर पर डेलीगेट कर दिया है या कंप्लीट तौर पर उसको आपने ट्रांसफर कर दिया है। कहीं ना कहीं डेलीगेशन प्रोसेस के अंदर अकाउंटेबिलिटी जो होती है वो ओवरऑल उसी पार्टिकुलर पर्सन की होती है जिसने किसी को अथॉरिटी दी है काम करने के लिए। सो डेलीगेशन हेल्प्स अ मैनेजर टू एक्सटेंड हिज एरिया ऑफ ऑपरेशंस। हाउएवर डेलीगेशन डज नॉट मीन एबडिकेशन। इट मीन्स दैट मैनेजर शैल स्टिल बी अकाउंटेबल फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ द असाइंड टास्क। यानी कि मैनेजर जो है अपने काम के प्रति जवाबदेही, अकाउंटेबल, आंसरेबल रहेगा। अकाउंटेबल स्टैंडिंग फॉर आंसरेबल रहेगा। डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी अनडाउटेडली एम्पावर्स एन एम्प्लॉय टू एक्ट फॉर हिज सुपीरियर, बट सुपीरियर वुड स्टिल बी अकाउंटेबल फॉर द फाइनल आउटकम। ठीक है कि हमने किसी सबोर्डिनेट को हमने अथॉरिटी दे दी और इसमें भी कोई डाउट नहीं है कि वो एम्प्लॉय उसके अकॉर्डिंग काम करेगा, लेकिन ओवरऑल जो रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी, अकाउंटेबिलिटी रहेगी, वो केवल और केवल सुपीरियर की ही रहेगी जो भी फाइनल आउटकम आए उसके प्रति। इसको सिंपल भाषा में अगर आप समझें तो आप सिंपली ये कहें कि एक मान लीजिए मैनेजर है मिस्टर एक्स, और इसने क्या किया, मिस्टर वाई, मिस्टर वाई जो है एक एम्प्लॉई है इसके अंडर में काम करने वाला, उसको एक टारगेट दे दिया कि भाई तुम्हें ये काम 1000 यूनिट्स को आपने जो है ना अचीव करना है टारगेट को। और ये मिस्टर एक्स को जो टारगेट दिया गया था ये इसके बॉस के द्वारा दिया गया था, तो ये जो बॉस ने इसको टारगेट दिया था 1000 यूनिट को अचीव करने का, वो इसने शिफ्ट कर दिया मिस्टर वाई के कंधों पर। अब मिस्टर वाई यदि इसको अचीव नहीं भी कर पाता तो मिस्टर एक्स ही ओवरऑल रिस्पॉन्सिबल या अकाउंटेबल रहेगा अपने बॉस के प्रति कि भाई क्यों नहीं अचीव कर पाया। ये कि नहीं कह सकता कि मैंने अपना टारगेट मैंने सबोर्डिनेट को दे दिया था तो उसने अचीव नहीं किया ना, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी केवल और केवल मिस्टर एक्स की ही रहेगी अपने बॉस के प्रति, मिस्टर वाई की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी या नहीं रहेगी। Thus, the irrespective of extent of delegated authority, the manager shall still be accountable to same extent or as before delegation. यानी कि अगर उसने अथॉरिटी को डेलीगेट नहीं किया था उससे पहले जो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटेबिलिटी थी वो एज इट इज बनी रहेगी जो डेलीगेशन करने के बाद भी रहेगी। एंड इट इंडिकेट्स दैट मैनेजर हैज टू इंश्योर द प्रॉपर डिस्चार्ज ऑफ ड्यूटीज बाय हिज सबोर्डिनेट। ये हाँ, मैनेजर जो है इंश्योर कर सकता है कि भाई जो उसका एम्प्लॉय है वो प्रॉपरली ड्यूटीज को क्या करे, अपनी
डिस्चार्ज करें, इट इज जनरली इन्फोर्स थ्रू द रेगुलर फीडबैक ऑन द एक्सटेंट ऑफ वर्क अकम्प्लिश्ड। और ऐसा केवल और केवल क्या कब किया जा सकता है कि वो रेगुलर क्या ले, उसका फीडबैक ले, रेगुलर क्या ले, फीडबैक ले कि काम जो है वो प्रॉपरली कंप्लीट हुआ है या नहीं हुआ है। अगर वो प्रॉपरली काम को कंप्लीट करने के बारे में फीडबैक लेता रहेगा अपने सबोर्डिनेट से, तो डेफिनेटली जो मैनेजर एक्स है, वो मिस्टर एक्स है, वो अपने काम को, अपने टारगेट को अचीव करवा सके मिस्टर वाई से, और वो अपने बॉस के लिए अकाउंटेबल भी बन सके। एक छोटा सा एग्जाम्पल इसमें दिया गया है, इस एग्जाम्पल को समझते हुए चलते हैं। कहता है सपोज द डायरेक्टर्स ऑफ ए कंपनी मैन्युफैक्चरिंग कंप्यूटर्स, एक कंपनी है उसका डायरेक्टर जो है ऑफ ए कंपनी, वो क्या करता है कंप्यूटर्स मैन्युफैक्चर करने के लिए बोलता है, आस्क्ड देयर मार्केटिंग मैनेजर, अपने मार्केटिंग मैनेजर को कहता है भाई कंप्यूटर मैन्युफैक्चर करने हैं टू अचीव ए टारगेट सेल ऑफ 100 कंप्यूटर्स पर डे, ताकि एक दिन में हम 100 कंप्यूटर्स की सेल को अचीव कर सके। मार्केटिंग मैनेजर क्या करता हैज डेलीगेटेड द टास्क टू सेल्स मैनेजर, और मार्केटिंग मैनेजर ये काम अपने सेल्स मैनेजर को दे देता है, वर्किंग अंडर हिम बट द अथॉरिटी टू गिव डिस्काउंट वॉज नॉट गिवन बाय हिम, लेकिन उसको किसी प्रकार की अथॉरिटी प्रोवाइड नहीं करता है कि भाई वो किसी को डिस्काउंट अलाउड करे। तो इसके चलते क्या होता है कि सेल्स मैनेजर कुड नॉट अचीव द टारगेट, सेल्स मैनेजर अपने टारगेट को अचीव नहीं कर पाता है। तो इन दिस केस, इस केस में हम क्या समझेंगे कि मार्केटिंग मैनेजर कैन नॉट ब्लेम, वो ब्लेम नहीं कर सकता सेल्स मैनेजर, सिंस ही वॉज नॉट गिवन द अथॉरिटी टू गिव डिस्काउंट, क्योंकि उसने उसको जो रिस्पॉन्सिबिलिटी सौंपी थी उसके इक्विलेंट अथॉरिटी दी ही नहीं। उसके इक्विलेंट क्या नहीं दी, अथॉरिटी नहीं दी, रिस्पॉन्सिबिलिटी तो दे दी लेकिन उसके इक्विलेंट उसको अथॉरिटी दी ही नहीं, उसको कैसे पूरा करेगा। तो उस कंडीशन में मिस्टर जो मार्केटिंग मैनेजर है वो मिस्टर सेल्स मैनेजर को ब्लेम नहीं कर सकता, क्योंकि उसने उसको कंप्लीट करने के लिए अथॉरिटी उसको दी ही नहीं। हाउएवर द अथॉरिटी ग्रांटेड टू सेल्स मैनेजर कैन बी टेकन बैक एंड रीडेलीगेटेड टू अनदर पर्सन। हाँ, यहाँ पर जो मार्केटिंग मैनेजर, वो ये जरूर कर सकता है कि वो अपनी अथॉरिटी उससे वापिस ले सेल्स मैनेजर से, और वो किसी थर्ड पार्टी को और ट्रांसफर कर दे ताकि वो उसके काम को कंप्लीट कर सके। सो मार्केटिंग मैनेजर शैल स्टिल अकाउंटेबल टू द डायरेक्टर्स, वो अकाउंटेबल रहेगा किसके प्रति, डायरेक्टर्स के प्रति, एंड द प्रोसेस ऑफ डेलीगेशन डज नॉट रिलाइव द मार्केटिंग मैनेजर ऑफ हिज ओन अकाउंटेबिलिटी, यानी कि जो मार्केटिंग मैनेजर की है खुद की जो अकाउंटेबिलिटी है उसको वो मना नहीं कर सकता, उसको वो डेलीगेट नहीं कर सकता। सो अकाउंटेबिलिटी कैन नॉट बी डेलीगेटेड एट ऑल, ध्यान रखना ये कई बार क्वेश्चन पूछ लेता है कि अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी कैन बी डेलीगेटेड अप टू एन एक्सटेंट बट अकाउंटेबिलिटी नॉट, व्हाई, बिकॉज ओवरऑल आंसरेबिलिटी उसी पर्सन की रहेगी जिसको कि कोई पार्टिकुलर काम करने के लिए दिया गया है। हाँ, यहाँ पर सेल्स मैनेजर अपने मार्केटिंग मैनेजर के प्रति तो अकाउंटेबल है, बट वो उसके बॉस के प्रति, डायरेक्टर के प्रति अकाउंटेबल बिल्कुल भी नहीं होगा, उसके प्रति जो आंसरेबल होगा वो केवल और केवल मार्केटिंग मैनेजर ही होने वाला है। चलिए, इसमें एक नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास छोटा सा है, इंपॉर्टेंस ऑफ डेलीगेशन। व्हाट इज इंपॉर्टेंस ऑफ डेलीगेशन, डेलीगेशन की क्या आवश्यकता है, क्या सिग्निफिकेंस है, व्हाट इज द रोल ऑफ दिस डेलीगेशन। तो यहाँ पर हम इसका सिग्निफिकेंस बेसिकली पढ़ने वाले हैं कि क्या इसका सिग्निफिकेंस है। तो डेलीगेशन इंश्योर्स दैट, डेलीगेशन इंश्योर करता है सबोर्डिनेट सबोर्डिनेट को परफॉर्म टास्क ऑन बिहाफ ऑफ मैनेजर, देयर बाय रिड्यूसिंग हिज वर्कलोड एंड प्रोवाइडिंग हिम विद मोर टाइम टू कम कंसंट्रेट ऑन इम्पोर्टेंट मैटर्स। कि भाई डेलीगेशन क्या इंश्योर करता है, डेलीगेशन इंश्योर करता है कि भाई जो सबोर्डिनेट है वो काम को परफॉर्म करे किसके बिहाफ पर, ऑन द बिहाफ ऑफ द मैनेजर, सो दैट ताकि उसका वर्कलोड कम हो सके, एंड प्रोवाइडिंग हिम विद मोर टाइम ताकि उसको ज्यादा ज्यादा समय मिल सके किसके लिए, टू कंसंट्रेट ऑन द इम्पोर्टेंट मैटर्स, यानी मैनेजर को जो इम्पोर्टेंट मैटर्स सोल्व आउट करने हैं उनके लिए उसको ज्यादा से ज्यादा समय मिल सके। डेलीगेशन क्या है बेसिकली, डेलीगेशन इज द की एलिमेंट इन इफेक्टिव ऑर्गेनाइजिंग, डेलीगेशन को इफेक्टिव ऑर्गेनाइजिंग के लिए की एलिमेंट माना गया है, मेन एलिमेंट माना गया है। अगर डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी नहीं करते हैं तो वी विल फील द ओवरबर्डन्ड। आप इसके लिए इस डायग्राम को एक बार देख सकते हैं, देखिए इस डायग्राम के अंदर ये जो मैनेजर है, ये जो मैनेजर है या जो पर्सन है, ये जो बॉस है, इसके सामने कितनी सारी फाइलें रखी हुई हैं, एंड ऑल द फाइल्स मस्ट बी अप्रूव्ड बाय मी, इट इज थिंकिंग सो। तो ये ओवरबर्डन्ड महसूस कर रहा है, ओवरबर्डन्ड महसूस कर रहा है, तो इस ओवरबर्डन को कम करने के लिए ही कैन डेलीगेट हिज अथॉरिटी टू हिज इमीडिएट सबोर्डिनेट, ताकि उसका काम कुछ कम हो जाए और ये इंपॉर्टेंट जो मैटर्स है उनके ऊपर फोकस
कर सके इम्पोर्टेंट मैटर्स को, ये जो है मतलब इम्प्लीमेंटेशन में ला सके। तो ये इससे इस पॉइंट से हमें ये समझने को मिलता है कि भाई डेलीगेशन को हमने की एलिमेंट माना है किसी भी इफेक्टिव ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस के लिए। इफेक्टिव डेलीगेशन लीड्स टू द फॉलोइंग बेनिफिट, और जहां पर इफेक्टिव डेलीगेशन होगा तो वहां पर हमारे सामने ये जो बेसिकली बेनिफिट देखने को या सिग्निफिकेंस देखने को मिलेगा। पहला है इफेक्टिव मैनेजमेंट। डेफिनेटली जहां पर आप अगर अपनी पावर्स को डेलीगेट कर पा रहे हैं, आप अपने वर्कलोड को शिफ्ट कर पा रहे हैं, तो वहां पर आप उन मैटर्स पर ज्यादा फोकस कर पाएंगे जो मैटर्स आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी हैं, और आपका जो सेकेंडरी वर्क है वो आपका सबोर्डिनेट जो है वो फुलफिल कर देगा। तो इससे क्या होगा, मैनेजमेंट प्रॉपर तरीके से हो पाएगा। बाय इम्पावरिंग द एम्प्लॉइज, बाय इम्पावरिंग द एम्प्लॉइज द मैनेजर्स आर एबल टू फंक्शन मोर एफिशियंटली एज दे गेट मोर टाइम टू कंसंट्रेट ऑन इम्पोर्टेंट मैटर्स। फ्रीडम फ्रॉम डूइंग रूटीन वर्क प्रोवाइड्स देम विद अपॉर्चुनिटीज टू एक्सेल इन न्यू एरियाज। तो ये जो है बेसिकली इस इफेक्टिव मैनेजमेंट में हमारी हेल्पफुल वे होते हैं कि भाई जब भी हम अपने एम्प्लॉय को एम्पावर्ड करते हैं तो हमें ज्यादा समय मिल पाता है मेन एक्टिविटी पे फोकस करने के लिए, साथ ही साथ हम रूटीन के कामों से भी फ्री कर देते हैं अपने एम्प्लॉय को, ताकि उसको अपॉर्चुनिटी मिल सके वो नए एरियाज में भी अपने आप को एक एक्सीलेंट तौर पर प्रेजेंट कर पाए। सेकंड जो सिग्निफिकेंस है दैट इज रिलेटेड टू एम्प्लॉयज डेवलपमेंट। डेफिनेटली जब एम्प्लॉयज रूटीन के वर्क से फ्री होगा तो उसका कहीं ना कहीं डेवलपमेंट जरूर होगा, उसको कहीं ना कहीं मैनेजरियल एक्टिविटीज में हम जब इन्वॉल्व करेंगे, मैनेजरियल एक्टिविटी में जब हम इन्वॉल्व करेंगे तो उससे क्या होगा कि उसका ओवरऑल डेवलपमेंट जो है वो होना स्टार्ट हो जाएगा। एज ए रिजल्ट ऑफ डेलीगेशन एम्प्लॉयज गेट मोर अपॉर्चुनिटीज टू यूटिलाइज देयर टैलेंट एंड इट अलाउज देम टू डेवलप दो स्किल्स विच विल एनेबल देम टू परफॉर्म कॉम्प्लेक्स टास्क एंड अज्यूम दोज रिस्पॉन्सिबिलिटीज विच विल इम्प्रूव देयर करियर प्रोस्पेक्ट्स। यानी कि उनके सामने वो अपॉर्चुनिटीज होंगी, वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज होंगी, दोज रिस्पॉन्सिबिलिटीज विच विल इम्प्रूव देयर करियर प्रोस्पेक्ट, जो उनके करियर को कहीं ना कहीं ग्रोथ देगा, कहीं ना कहीं एक पुशअप देगा ताकि वो अपने जो डेवलपमेंट की तरफ चल सके, वो अपने ऑल राउंड डेवलपमेंट को महसूस कर सके। इट मेक्स बेटर लीडर्स, ये हमारे लिए बेटर लीडर्स तैयार करने में हेल्प करता है और डिसीजन मेकर्स को तैयार करने में हेल्प करता है डेलीगेशन, एंड थस डेलीगेशन हेल्प बाय प्रिपेयरिंग बेटर फ्यूचर मैनेजर, ताकि इससे हमारे सामने क्या आ सके, बेटर फ्यूचर मैनेजर आ सके। सो डेलीगेशन इम्पावर्स द एम्प्लॉइज बाय प्रोवाइडिंग देम विद द चांस टू यूज देयर स्किल्स, गेन एक्सपीरियंस एंड डेवलप देमसेल्व्स फॉर हायर पोजिशन। और इससे उनको चांस मिलता है, उनकी स्किल्स डेवलप होती है, उनको एक्सपीरियंस होता है कि वो अपने आप को हायर पोजिशन के लिए तैयार कर सके। तो इससे क्या होता है, एम्प्लॉइज का डेवलपमेंट होता है। थर्ड वन जो सिग्निफिकेंस है दैट इज मोटिवेशन ऑफ एम्प्लॉइज। किसी भी एम्प्लॉइज का मोटिवेशन भी बढ़ता है यदि आप किसी एम्प्लॉय को अगर अपने डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में शामिल कर लेते हैं, कहीं अपने मैनेजर वर्क में उसको जो पावर्स दे देते हैं करने के लिए, तो ही विल गेट मोटिवेटेड और बेहतर बेहतर तरीके से इफेक्टिव तरीके से ही विल स्टार्ट इट डूइंग द वर्क, वो काम करना स्टार्ट कर देता है। सो डेलीगेशन हेल्प्स इन डेवलपिंग द टैलेंट्स ऑफ द एम्प्लॉइज। इट ऑल्सो हैज साइकोलॉजिकल बेनिफिट्स। इसको क्या होता है, एक प्रकार से एक मतलब अगर किसी एम्प्लॉय को, किसी पर्सन को आप अपने रूटीन के टास्क में, मैनेजर टास्क में इन्वॉल्व कर लो तो उसका साइकोलॉजिकल बेनिफिट मिलता है उसको, क्योंकि तो साइकोलॉजिकली ये फील करने लगता है कि दैट ही इज अ पार्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। व्हेन ए सुपीरियर इंटरेस्ट ए सबोर्डिनेट विद अ टास्क, इट नॉट मेरली द शेयरिंग ऑफ वर्क बट इन्वॉल्व ट्रस्ट ऑन द सुपीरियर्स पार्ट एंड कमिटमेंट ऑन द पार्ट ऑफ सबोर्डिनेट। तो उससे क्या होता है कि सबोर्डिनेट के अंदर एक कमिटमेंट की भावना भी आ जाती है, और वो सुपीरियर के काम को, सुपीरियर के पार्ट पर, सुपीरियर के ऊपर भी वो अपना विश्वास दिखाना या जमाना स्टार्ट कर देता है। रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर वर्क बिल्ड्स, और यहाँ पर रिस्पॉन्सिबिलिटी जो काम की दी गई है उससे उसका सेल्फ एस्टीम बढ़ता है एम्प्लॉय का, एंड इट ऑल्सो इम्प्रूव हिज कॉन्फिडेंस, उससे उसका कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है। ही फील्स इंक्रेज, वो अपने आप को उत्साहित महसूस करता है, ट्राइज टू इम्प्रूव हिज परफॉर्मेंस फर्दर, ताकि वो और अच्छे तरीके से फ्यूचर में काम कर सके, इस चीज के लिए वो अपने आप को इंगेज इंक्रेज महसूस करता है। नेक्स्ट है फैसिलिटेशन ऑफ द ग्रोथ। फैसिलिटेशन ऑफ द ग्रोथ यानी कि डेलीगेशन एक फैसिलिटी है किसी भी पार्टिकुलर एम्प्लॉय की ग्रोथ के लिए, ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ के लिए, मैनेजर के रूटीन के टास्क को, वर्कलोड को कम करने के लिए। डेलीगेशन क्या करता है, हेल्प करता है इन एक्सपेंशन बढ़ाने में ऑर्गेनाइजेशन बाय प्रोवाइडिंग ए रेडी वर्क फोर्स टू टेक अप लीडिंग पोजिशन इन द न्यू वेंचर्स। यदि किसी प्रकार का कोई ऑर्गेनाइजेशन
नए वेंचर्स एस्टेब्लिश करता है, नया बिजनेस एस्टेब्लिश करता है, तो उसको एक रेडी वर्कफोर्स तैयार मिल जाती है ड्यू टू ऑफ द डेलीगेशन प्रोसेस, एंड ट्रेन्ड एंड एक्सपीरियंस्ड एम्प्लॉय जो होते हैं आर एबल टू प्ले सिग्निफिकेंट रोल इन द लॉन्च ऑफ न्यू प्रोजेक्ट्स, ताकि वो नए प्रोजेक्ट को लॉन्च करने में भी अपना अहम रोल प्ले कर सकें। डेफिनेटली इससे हमें क्या होता है, ग्रोथ की तरफ हम अग्रसर होते हैं, ऑर्गेनाइजेशन ग्रोथ को बढ़ा सकते हैं, और बिना किसी एक्स्ट्रा एक्सपेंशन के, बिना किसी एक्स्ट्रा एक्सपेंस के हमें एक रेडी वर्कफोर्स मिल जाती है जिसको हमने डेलीगेट करके इस लायक बना दिया है कि वो एक लीडिंग पोजीशन को ज्वाइन कर सके नए वेंचर्स के अंदर, और अपनी टेक्निक्स अपनी स्किल्स को यूज करके ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ कर सके। नेक्स्ट वन है बेसिस ऑफ मैनेजमेंट हायर की। भाई ये भी कंफर्म हुआ कि डेलीगेशन जब हम करते हैं तो डेलीगेशन में हम क्या करते हैं, बेसिकली पावर्स को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, जिससे क्या होता है एक हायरार्किकल डेवलपमेंट होता है, एक हायरार्किकल डेवलपमेंट होता है। डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी एस्टेब्लिशेस सुपीरियर सबऑर्डिनेट रिलेशनशिप्स विच आर द बेसिस ऑफ हायरार्की ऑफ मैनेजमेंट, एंड इट इज डिग्री ऑफ फ्लो, डिग्री एंड फ्लो ऑफ अथॉरिटी विच डिटरमाइंस हु हैज टू रिपोर्ट टू हिम होम, इसको कौन रिपोर्ट करेगा। तो एक मैनेजमेंट हायरार्की जो होती है उसका ये बेस माना जाता है, क्योंकि इसमें हम टॉप लेवल, मिडिल लेवल और लोअर लेवल की बात करते हैं, तो टॉप लेवल मिडिल लेवल को, मिडिल लेवल लोअर लेवल को पावर्स ट्रांसफर करता है। द एक्सटेंट ऑफ डेलीगेटेड अथॉरिटी ऑल्सो डिसाइड्स द पावर दैट ईच जॉब पोजिशन इंजॉय द इन द ऑर्गेनाइजेशन, और इसमें हम इस बात का भी ध्यान रखते हैं कि जो अथॉरिटी हमने डेलीगेट की है उससे, जो पावर्स हमने डेलीगेट की है उससे हर एक जो जो पोजीशन पे काम करने वाला व्यक्ति है वो इंजॉय करे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, और अपना बेस्ट से बेस्ट वो आउटपुट दे सके। नेक्स्ट है हमारे पास बेटर कोऑर्डिनेशन। देखिए जब भी हम डेलीगेशन करते हैं तो बेटर कोऑर्डिनेशन को भी हमारे को क्या मिलता है, जोर मिलता है, बल मिलता है, वो भी हमारा कहीं ना कहीं इंक्रीज होता है। द एलिमेंट्स ऑफ डेलीगेशन नेमली अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी, वेन एवर यू आर डिस्कसिंग अबाउट द डेलीगेशन देन यू विल कंसिडर दीज थ्री एलिमेंट्स अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी। क्या करते हैं, हेल्प करते हैं किस लिए, टू डिफाइन, डिफाइन करने के लिए किसको, पावर्स को, ड्यूटीज को, आंसरबिलिटी रिलेटेड टू द वेरियस पोजिशन इन द ऑर्गेनाइजेशन, और जो ऑर्गेनाइजेशन में अलग अलग पोजिशन पर जो जवाब देता है उसको फिक्स करने में डेलीगेशन हमारी मदद करता है, एंड दिस हेल्प टू अवॉइड ओवरलैपिंग, और इससे हमारी ओवरलैपिंग नहीं हो पाती किसकी, ड्यूटीज की, और डुप्लीकेशन ऑफ एफर्ट्स भी नहीं हो पाते, क्लियर पिक्चर हमारे सामने आती है ऑफ द वर्क बींग डन एट द वेरियस लेवल्स, अलग अलग लेवल पर क्या क्या काम हुआ है उसकी क्लियर पिक्चर हमारे सामने निकल कर आती है, जिसमें हम हर एक को आंसरेबल बना सकते हैं जिसको भी हमने जो भी पावर्स दी है। सच क्लैरिटी इन रिपोर्टिंग रिलेशनशिप्स हेल्प इन डेवलपिंग एंड मेंटेनिंग इफेक्टिव कोऑर्डिनेशन अमंगस्ट द डिपार्टमेंट्स एंड लेवल्स एंड फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, जिससे इनके बीच में क्या डेवलप होता है, कोऑर्डिनेशन बनता है, क्योंकि जब सारी बातें प्रॉपर तरीके से चलती हैं कोई ओवरलैपिंग नहीं होती तो वहां पर कोऑर्डिनेशन देखने को मिलता है। तो ये थी हमारी क्या इंपॉर्टेंस और सिग्निफिकेंस ऑफ डेलीगेशन। फिर हमने ये पॉइंट कल डिस्कस कर लिया था कंसेप्ट ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन क्या होता है, और इसके अंदर हमने एक पॉइंट देखा था कि भी सेंट्रलाइजेशन क्या होता है। ये जो डायग्राम मैंने बनाया था, इस डायग्राम से हम इसको इफेक्टली समझ पाए थे कि जब सारी पावर्स हमारी अंदर की तरफ हो, एक व्यक्ति के हाथ में सेंट्रलाइज हो, एक ही व्यक्ति के हाथ में केंद्रित हो, तो इसको बोलते हैं सेंट्रलाइजेशन, और जब इन पावर्स को हम आउटर एरिया में बाहर की तरफ स्प्रेड कर देते हैं, इन पावर्स को एक सेंट्रल एरिया से बाहर की तरफ भेज देते हैं, तो इसको कहते हैं डिसेंट्रलाइजेशन। ये है सेंट्रलाइजेशन। और हमने ये भी पढ़ा था कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सेंट्रलाइज जो है डेलीगेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन, इनके बीच में क्या अंतर है। आज हमें पढ़ना था इंपॉर्टेंस ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन। तो इंपॉर्टेंस ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन का पॉइंट क्या है, आइए इसके बारे में थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। जब भी हम बात करते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन की, तो सिंपली बात की जाती है सिग्निफिकेंस की। किसके बारे में बात की जाती है, सिग्निफिकेंस, किसके सिग्निफिकेंस है, दैट इज ऑफ द डिसेंट्रलाइजेशन। और यहां पर मैं डिसेंट्रलाइजेशन के सिग्निफिकेंस पर जाऊं उससे पहले सिंपली मुझे आप बता दीजिए डिसेंट्रलाइजेशन होता क्या है, क्या करते हैं इसके अंदर, इसके अंदर हम करते हैं इंक्रीजिंग सेंट्रलाइजेशन के अंदर सर हाँ बताओ जो बताओ पावर होती है, सर जो पावर होती है सर वो डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं सर। अप टू लोअर लेवल, अप टू सर लोअर लेवल मीन्स टू से इंक्रीजिंग द रोल ऑफ सबोर्डिनेट, इंक्रीजिंग यस द सर रोल ऑफ सबोर्डिनेट। सबॉर्डिनेट जब हम सबोर्डिनेट के रोल को बढ़ाते हैं तो वो क्या कहलाता है, हमारा डिसेंट्रलाइजेशन। और इसके वाइस वर्सा, जब हम सबोर्डिनेट के रोल को घटा देंगे
डिक्रीजिंग द रोल ऑफ सबोर्डिनेट, तो इसको कहते हैं सेंट्रलाइजेशन। ये भी इसका एक मीनिंग हमारा बनता है, सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन का, इसको भी याद रखना है। इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, क्यों जरूरी है? अब देखिए, इससे क्या होता है कि टॉप मैनेजमेंट जो होता है उसको रिलीफ मिलता है। उसको क्या मिलता है? रिलीफ मिलता है। रिलीफ किस सेंस में मिलता है कि भाई उसके पास जो एक्स्ट्रा एक्टिविटीज थी वो हम शिफ्ट कर देते हैं सबोर्डिनेट पर, और उसको फ्रीडम दे देते हैं कि भाई तुम इन एक्टिविटीज को अपने हिसाब से परफॉर्म करो, और वो कोशिश करते हैं कि अपने हिसाब से उनको प्रॉपर तरीके से परफॉर्म करें विद इन द प्रिस्क्राइब्ड लिमिट्स। और इससे क्या होता है कि उनके अंदर सुपरविजन, मैनेजर जो क्वालिटीज हैं, ट्रेट्स हैं, वो डेवलप हो जाते हैं। तो डिसेंट्रलाइजेशन डिमिनिशिज द अमाउंट ऑफ डायरेक्ट सुपरविजन एक्सरसाइज बाय सुपीरियर ओवर द एक्टिविटीज ऑफ ए सबोर्डिनेट बिकॉज दे आर गिवन द फ्रीडम टू एक्ट एंड डिसाइड विद इन द प्रिस्क्राइब्ड लिमिट्स। पर्सनल सुपरविजन इज जनरली रिप्लेस्ड बाय अदर फॉर्म्स ऑफ कंट्रोल सच एज रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, तो ये हमारा शिफ्ट हो जाता है किस पर? आरओआई पर। आरओआई क्या है हमारा? आरओआई बेसिकली है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, जिसमें कि हमें ये पता लगता है कि हमारा जो रिटर्न है वो कैपिटल एम्प्लॉयड पर कितना है। और इसका जजमेंट अगर हम कर पाते हैं तो इससे हमें ये पता लग पाता है कि भाई जो हमने पावर्स डिसेंट्रलाइज की थी तो वो कितनी इफेक्टिवली वर्क कर रही है, वो कितने अच्छे तरीके से काम कर रही है। और इससे होता क्या है कि जो अमाउंट ऑफ डायरेक्ट सुपरविजन है वो घट जाता है मैनेजर का, मैनेजमेंट का, और उसको कहीं ना कहीं रिलीफ मिलता है और वो उन एक्ट्स पर प्रॉपरली फोकस कर पाता है जो ऑर्गेनाइजेशन के लिए ज्यादा जरूरी है। सो डिसेंट्रलाइजेशन ऑल्सो लीव्स द टॉप मैनेजमेंट विद मोर टाइम विद दे कैन डेवलप टू इम्पोर्टेंट पॉलिसी डिसीजंस रादर देन ऑक्यूपाइंग देयर टाइम विद द बोथ पॉलिसी एज वेल एज ऑपरेशनल डिसीजंस। तो जो ऑपरेशनल डिसीजन है वो लोअर लेवल तक शिफ्ट हो जाते हैं, और जो पॉलिसीज बनाने के डिसीजन है वो अपने पास रख लेते हैं अंडर द डिसेंट्रलाइजेशन। इससे क्या होता है कि वो मेजर मेजर एक्ट पर काम करते हैं, बाकी सारे ऑटोनोमी दे देते हैं सबोर्डिनेट्स को ताकि वो काम को प्रॉपरली परफॉर्म कर सकें। सेकेंड वन अगर देखें, डेवलप इनिशिएटिव अमंग द सबोर्डिनेट्स, तो इसका मतलब है कि भाई जो सबोर्डिनेट्स हैं उनके बीच में कहीं ना कहीं हम एक इनिशिएशन की भावना डेवलप करते हैं। इनिशिएटिव का मतलब होता है कहीं ना कहीं उनके अंदर हम एक इनिशिएशन लेकर आते हैं, उनको पहल करने, उनके ऊपर विश्वास करने, उनको कॉन्फिडेंस में लेकर आने, ताकि वो अपने काम को इस तरीके से कर सकें कि भाई उनके अंदर भी एक मैनेजर जो ट्रेट है वो डेवलप हो जाए। डिसेंट्रलाइजेशन हेल्प्स टू प्रमोट सेल्फ रिलायंस एंड कॉन्फिडेंस अमंगस द सबोर्डिनेट। जो सबोर्डिनेट होते हैं उनके अंदर सेल्फ रिलायंस यानी वो अपने आप पर विश्वास कर पाए, उनके अंदर कॉन्फिडेंस डेवलप हो पाए, इस तरीके से हेल्प करता है उनको डेवलप करने में। एंड दिस इज बिकॉज व्हेन लोअर मैनेजर लेवल आर गिवन फ्रीडम टू टेक देयर ओन डिसीजन दे लर्न टू डिपेंड ऑन देयर ओन जजमेंट। तो वो अपने ओन जजमेंट पर डिपेंड होना सीख जाते हैं और उनको ये पता लग पाता है कि वेदर दे हैव टेकन द राइट डिसीजन और द रॉन्ग डिसीजन, एंड इट ऑल्सो कीप्स देम इन अ स्टेट वेयर इन दे आर कंसिस्टेंटली चैलेंज्ड एंड हैव टू डेवलप सॉल्यूशंस फॉर द वेरियस प्रॉब्लम्स एंड दे इनकाउंटर। तो इससे उनके अंदर एक चीज और भी क्रिएट होती है, वो इस पोजिशन में आ जाते हैं, दे कीप्स देम इन स्टेट वेयर इन दे आर कंसिस्टेंटली चैलेंज्ड, इनको जहां पर उनको लगातार जो चैलेंज मिलते हैं एंड हैव टू डेवलप सॉल्यूशन, और वो सॉल्यूशन को डेवलप करना स्टार्ट कर जाते सीख जाते हैं, और भिन्न भिन्न प्रकार के प्रॉब्लम्स को फेस करना भी वो बेसिकली सीख जाते हैं। डिसेंट्रलाइजेशन का ये एक अहम रोल होता है सबोर्डिनेट्स के अंदर इनिशिएशन डेवलप करने का। इनिशिएशन का मतलब है वो खुद से काम करना सीख जाते हैं। डिसेंट्रलाइजेशन पॉलिसी हेल्प्स टू आइडेंटिफाई दोज एग्जीक्यूटिव्स हु हैव द नेसेसरी पोटेंशियल टू बिकम द डायनेमिक लीडर्स। और डिसेंट्रलाइजेशन पॉलिसी हमारी मदद करती है उन एग्जीक्यूटिव को सर्च आउट करने में जिनके अंदर पोटेंशियल होता है कि वो फ्यूचर में डायनेमिक लीडर के तौर पे काम कर सकें। थर्ड वन अगर हम इसका सिग्निफिकेंस देखें तो दैट इज डेवलप मैनेजरियल टैलेंट फॉर द फ्यूचर। अब ये सीधी सी बात है, जहां पर हम ये बात करते हैं कि भाई डिसेंट्रलाइजेशन हमारी मदद करता है इनिशिएशन के लिए, तो वहां पर इनके अंदर ऑटोमेटिकली मैनेजरियल टैलेंट डेवलप हो जाता है, क्योंकि जब वो इनिशिएशन लेना शुरू कर देंगे, खुद से डिसीजन लेना शुरू कर देंगे, खुद से सारे उनके हाथों में पावर्स आ जाएंगी, तो कहीं ना कहीं उनके अंदर एक मैनेजमेंट का ट्रेट, मैनेजमेंट का गुण, फीचर, क्वालिटी भी डेवलप हो जाएगी फ्यूचर के लिए, ताकि अगर हमें फ्यूचर में किसी प्रकार के मैनेजर की जरूरत हो तो वी कैन यूज दिस रेडीमेड वर्कफोर्स जिनको हमने डिसेंट्रलाइज किया, जिनको हमने पावर्स डिस्ट्रीब्यूट कर रखी थी। तो डेवलप मैनेजरियल टैलेंट फॉर द फ्यूचर। डिसेंट्रलाइजेशन गिव सबोर्डिनेट ए चांस टू प्रूव देयर एबिलिटी एंड क्रिएट्स अ रिजर्वर ऑफ क्वालिफाइड मैन पावर हु कैन बी कंसिडर्ड टू फिल अप मोर चैलेंजिंग पोजिशन एंड थ्रू द प्रमोशन। ये
ये जो रिजर्वोयर लिखा है दैट इज अ पार्टिकुलरली क्रिएटेड वर्ड फ्रॉम रिजर्व, रिजर्व ऑफ क्वालिफाइड मैन पावर, यानी कि हमने जब उनको काम करने के लिए उनको पावर्स दी, उनको चांस दिया कि वो अपनी एबिलिटी को प्रूव करें, तो वो एक प्रकार के हमारे लिए रिजर्व बन जाते हैं, सोर्स बन जाते हैं क्वालिफाइड मैन पावर के, जिनको हम फ्यूचर में चैलेंजिंग पोजिशन को फिलअप करने के लिए यूज कर सकते हैं। स्टाफिंग प्रोसेस में भी ये काफी हमारी हेल्प करते हैं। इट ऑल्सो हेल्प्स टू आइडेंटिफाई दोज हु मे नॉट बी सक्सेसफुल इन अज्यूमिंग ग्रेटर रिस्पॉन्सिबिलिटी, और ये उन लोगों को भी आइडेंटिफाई करने में भी मदद करता है जो कि ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी को नहीं ले पाते, या ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी जिनके बच्ची बस जिसके मतलब जिसके बस की बात नहीं होती, यानी कि दे कैन नॉट बी फेस द रिस्पॉन्सिबिलिटी बर्डन, एंड थस डिसेंट्रलाइजेशन इज अ मीन्स ऑफ मैनेजमेंट एजुकेशन एज वेल एज अपॉर्चुनिटी फॉर ट्रेन्ड मैन पावर टू यूज इट्स टैलेंट इन द रियल लाइफ सिचुएशन, ताकि वो अपने इस टैलेंट को रियल लाइफ सिचुएशन में भी यूज कर सके। इस तरीके का मैनेजर टैलेंट के अंदर डेवलप करता है डिसेंट्रलाइजेशन। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो दैट इज क्विक डिसीजन मेकिंग, इसमें कोई दोराया नहीं है कि जब हम अपने पावर्स को टॉप से मिडल, मिडल से लोअर, लोअर से सुपरवाइजरी लेवल पर लोअर लेवल पर हम जो ट्रांसफर कर रहे हैं, यानी सुपरवाइजरी लेवल पर जो ट्रांसफर कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं डिसीजन मेकिंग प्रोसेस जो है इजी हो जाती है। लोअर लेवल को मिडिल लेवल से पूछने की जरूरत नहीं होती, मिडिल लेवल को टॉप लेवल से पूछने की जरूरत नहीं होती, दे विल टेक द डिसीजन बाय देयर सेल्फ, खुद से डिसीजन लेना शुरू कर देते हैं, तो कहीं ना कहीं क्विक डिसीजन मेकिंग हमारी हो पाती है। इन अ डिसेंट्रलाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन सिंस डिसीजन आर टेकन एट द ऑल लेवल्स विच आर नियरेस्ट टू द पॉइंट्स ऑफ एक्शन एंड देर इज नो रिक्वायरमेंट फॉर द अप्रूवल ऑफ मेनी लीड लेवल्स, द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस इज मच फास्टर अंडर द डिसेंट्रलाइजेशन। जबकि अगर यही बात हम डेलीगेशन में देखें तो वहां पर डिसीजन मेकिंग में कहीं ना कहीं हमारे सामने एक ऑब्स्टेकल आ रहा था, क्योंकि हमने वो पावर हमने जस्ट इमीडिएट सबोर्डिनेट को ट्रांसफर की थी, फ्रीडम उनको नहीं दी थी, ऑटोनोमी उनको नहीं दी थी, लेकिन यहाँ पर हम उनको ऑटोनोमी भी प्रोवाइड कर रहे हैं। देर आर ऑल्सो लेस चांसेज ऑफ इंफॉर्मेशन गेटिंग डिस्टोर्टेड बिकॉज इट इज डज नॉट हैव टू गो थ्रू द लॉन्ग चैनल्स, यानी कि इसको किसी प्रकार के लॉन्ग चैनल्स को क्रॉस नहीं करना पड़ता, वो पावर सारी उनके पास है, तो इससे क्या होता है कहीं ना कहीं मैसेज जो है वो उसके डिस्ट्रॉयड होने के, खराब होने के, गलत तरीके से प्रेजेंट करने के चांसेस भी कम हो जाते हैं। यहाँ पर एक छोटा सा ये बॉक्स दिया गया है, इसको समझते हैं। कहता है इन सेंट्रलाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन बिकॉज एवरी डिसीजन इज टेकन बाय द टॉप मैनेजमेंट एंड फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन इज स्लो एज इट हैज टू ट्रांसवर्स मेनी लेवल्स, सो रिस्पॉन्स ऑल्सो टेक्स टाइम एंड दिस रिड्यूसेज द स्पीड ऑफ डिसीजन मेकिंग एंड मेक्स इट डिफिकल्ट फॉर एन एंटरप्राइजेस टू अडॉप्ट द डायनेमिक ऑपरेटिंग कंडीशन, दैट्स व्हाई वी हैव टू फॉलो द डिसेंट्रलाइजेशन। इसीलिए हमें क्या फॉलो करना पड़ता है, डिसेंट्रलाइजेशन फॉलो करना पड़ता है। इफ समबडी विल आस्क टू यू व्हाई वी आर यूजिंग द डिसेंट्रलाइजेशन द ऑर्गेनाइजेशन, दिस कैन बी ए परफेक्ट आंसर कि भाई सेंट्रलाइजेशन जो ऑर्गेनाइज सेंट्रलाइज ऑर्गेनाइजेशन होते हैं उनको डिसीजन लेने में काफी सारे समय लगता है, काफी स्लो प्रोसेस के थ्रू काम करते हैं और उसे रिस्पॉन्स भी काफी लेट से आता है, तो उससे क्या होता है कि उनके काम करने के, डिसीजन लेने की स्पीड कम हो जाती है, और इस समस्या से बचने के लिए ही हम जो है डिसेंट्रलाइजेशन को फॉलो करते हैं। नेक्स्ट अगर सिग्निफिकेंस देखा जाए दैट इज फैसिलिटेट ग्रोथ। अभी ग्रोथ को कैसे फैसिलिटेट करता है भाई, ग्रोथ को फैसिलिटेट करने के लिए सिंपल सी बात है, जब डिसेंट्रलाइजेशन किया जाता है तो अवार्ड्स ग्रेटर ऑटोनॉमी, उसमें हम ऑटोनॉमी देते हैं टू द लोअर लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट एज वेल एज द डिविजनल और द डिपार्टमेंटल हेड्स, और उससे क्या होता है कि वो ऑटोमेटिकली ऑन द टाइम जब यदि उनको कोई डिसीजन लेना हो तो उनको ज्यादा किसी से पूछने की जरूरत नहीं होती, एंड दे विल टेक द डिसीजन, एंड दिस अलाउज देम टू फंक्शन इन अ मैनर बेस्ट सुटेड टू देयर डिपार्टमेंट एंड फोस्टर्स द सेंस ऑफ कंपटीशन अमंगस द डिपार्टमेंट्स, तो उनके अंदर एक कंपटीशन की भावना भी इससे बढ़ती है, जिससे काफी हद तक जो है ग्रोथ फैसिलिटी उनको ग्रोथ जो है वो फैसिलिटेट करने में हेल्प मिलती है, यानी ग्रोथ को बढ़ाने में उनको मदद मिलती है। कॉन्सिक्वेंटली विद द डिपार्टमेंट डूइंग इज बेस्ट इन अ बिड टू द आउटडू एंड द आउटडू द अदर एंड द प्रोडक्टिविटी लेवल्स इंक्रीजेस, कहीं ना कहीं जब डिपार्टमेंटल उनको ऑटोनोमी देते हैं तो उनकी प्रोडक्टिविटी में, प्रोडक्टिविटी लेवल में इंक्रीमेंट होता है, ऑर्गेनाइजेशन इज एबल टू जनरेट मोर रिटर्न्स, और काफी हद तक वो रिटर्न्स को जनरेट कर पाते हैं विच कैन बी यूज फॉर द एक्सपेंशन पर्पज, और जिसका कि यूटिलाइजेशन हम किसके लिए कर सकते हैं, बिजनेस को ग्रो करने के लिए कर सकते हैं। लास्ट होप सो बट नॉट द लीस्ट दैट इज बेटर कंट्रोल
बेटर कंट्रोल क्या होता है? बेटर कंट्रोल का मतलब होता है जहां डिसेंट्रलाइजेशन होता है तो वहां अकाउंटेबिलिटी भी फिक्स हो जाती है, मेक्स पॉसिबल टू इवेल्युएट, वहां इवेल्युएशन भी इजी हो जाता है, परफॉर्मेंस एट ईच लेवल, हर एक लेवल पर ये चेक करना कि कौन व्यक्ति किस तरीके से काम कर रहा है। डिपार्टमेंट्स कैन बी इंडिविजुअली हेल्ड अकाउंटेबल, और जिस डिपार्टमेंट को हमने ऑटोनोमी दी है वो इंडिविजुअली हेल्ड होता है अपने आउटकम के लिए भी। फीडबैक फ्रॉम ऑल लेवल्स हेल्प्स टू द एनालाइज वेरियंस एंड इम्प्रूव ऑपरेशन, और जब इसके अंदर में फीडबैक मिलता है हर एक लेवल से तो हम अपने जो भी वेरियंस आते हैं, जो भी डिफरेंस आते हैं एक्चुअल में जो काम काम करने के और काम के होने के तरीके में, तो उसको भी हम यहाँ पर आइडेंटिफाइड कर पाते हैं। तो ये जो है हमारे क्या थे बेसिकली सिग्निफिकेंस ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन। तो यहाँ पर हमने जो आज डिस्कस किया और जो कल हमने क्लास ली थी उसमें क्या क्या डिस्कस किया, हमने बात की डेलीगेशन के बारे में, और डेलीगेशन में हमने क्या क्या देखा, डेलीगेशन का कॉन्सेप्ट हमने डिस्कस किया, डेलीगेशन के हमने एलिमेंट्स के बारे में डिस्कशन किया, डेलीगेशन के हमने इम्पोर्टेंट रोल के बारे में पढ़ा, इम्पोर्टेंस के बारे में हमने पढ़ा। तो ये तीन पॉइंट बेसिकली हमने यहाँ पर देखे अबाउट द डेलीगेशन, और दूसरा पॉइंट हमारा था डिसेंट्रलाइजेशन का। तो डिसेंट्रलाइजेशन में हमने क्या क्या डिस्कस किया, डिसेंट्रलाइजेशन में हमने डिस्कस किया सबसे पहले कॉन्सेप्ट कि भाई डिसेंट्रलाइजेशन होता क्या है, उसके बाद हमने बात की इसके अंदर जो डिसेंट्रलाइजेशन होता है उसके साथ साथ सेंट्रलाइजेशन को भी समझने की कोशिश की हमने कि सेंट्रलाइजेशन क्या होता है। फिर हमने बात की डेलीगेशन वर्सेस डिसेंट्रलाइजेशन, ये दोनों में क्या अंतर है या कौन सा बेस्ट हो सकता है। फिर हमने बात की इंपॉर्टेंस ऑफ डेलीगेशन डिसेंट्रलाइजेशन के बारे में। तो ये सब बातें हमने हमने आज और कल की क्लास में डिस्कस की थी। जिसने अब तक कल की क्लास नहीं देखी है वो कल की क्लास जरूर देख ले ताकि इस टॉपिक को वो रिलेट कर सके। तो ये रिकैप है, रिकैप में हमने पढ़ा कंसेप्ट एंड एलिमेंट्स ऑफ डेलीगेशन जिसमें अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी के बारे में बात हुई, एंड देयर आफ्टर हमने बात की किसके बारे में, इंपॉर्टेंस ऑफ डेलीगेशन के बारे में, और उसके बाद हमने बात की किसके बारे में, कंसेप्ट ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन के बारे में एंड डिफरेंस बिटवीन द डेलीगेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। एट द एंड हमने बात की इंपॉर्टेंस ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन। तो इसको आप एक बार शॉर्ट समरी को रीड जरूर कर लें ताकि आपका पूरा टॉपिक जो है वो रिवाइज हो जाए, और कल जो हम लोग क्लास लेंगे दैट विल बी ऑन द ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस एज वेल एज द केस बेस्ड क्वेश्चन। जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है वो नियर अबाउट हमारे पास 25 है, और जो केस बेस्ड क्वेश्चन है वो भी हमारे पास 7 से 8 केस स्टडी देखने को मिलेंगी जिनको हमें यहाँ पर बेसिकली डिस्कस करना है। तो 6 केस स्टडी टोटल हमारी है, जहाँ हमारा ये यूनिट जो है वो क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। इस दौरान यदि किसी प्रकार का कोई भी डाउट, किसी प्रकार की कोई भी बात अगर आपको पूछनी है, समझनी है अनीस या अदर स्टूडेंट्स, तो प्लीज आप पूछ लें, समझ लें, और अगर कोई लगता है कि नहीं सर टॉपिक क्लियर है हम इसको एक बार रिवाइज कर लेंगे, तो आप इसको रिवाइज जरूर करिएगा। कल जब हम इसके लास्ट लेक्चर लेंगे तो उसके बाद एक टेस्ट रखेंगे इस यूनिट का, तो उस यूनिट में जितने भी हमारे पास सेल्फ असेसमेंट टेस्ट दिए गए हैं सुभाष देसर की बुक में, तो उन 5ों टेस्ट में से केवल और केवल इस यूनिट वाले जो टेस्ट है उनके ऊपर हमारा डिस्कशन रहेगा, उनके बारे में हम बात करेंगे और उस टेस्ट को हम यहाँ ऑनलाइन क्लास में ही डिस्कस करेंगे। ठीक है? यस यस सर, अनीस, यस क्या सर, टॉपिक यस क्लियर है आपको ये? प्लीज सर, सर टॉपिक क्लियर है सर। मुझे आपसे एक चीज और पूछनी थी सर। पूछिए। मैं कह रहा था कि सर इस संडे सर आप जो वो चैप्टर मैनेज वो वाला चैप्टर ना मार्केटिंग मैनेजमेंट वाला चैप्टर है सर, उसका हाँ, टेस्ट ले तो सकते हैं? मार्केटिंग मैनेजमेंट का एक काम करेंगे हम लोग, कल इस क्लास को लेने के बाद जो नेक्स्ट रहेंगे 2 दिन उनमें हम मार्केटिंग मैनेजमेंट को डिस्कस कर लेंगे और संडे को उसका एक टेस्ट रख लेंगे। सर डिस्कस करने की जरूरत नहीं है, मुझे आता है, वैसे एक बार टेस्ट देना है उसका। ओके कोई दिक्कत नहीं है, उसका एक टेस्ट बना के मैं आपको जो है शेयर कर दूंगा, आप उसका एक टेस्ट सर, दे लेंगे, साथ में मैं आपको उसके आंसर्स भी शेयर कर दूंगा, बाद में आप उसको मैच भी कर सकते हैं भी कहाँ गड़बड़ है कहाँ गड़बड़ नहीं। यस सर, ठीक है, संडे संडे को ले लेंगे, कोई बात नहीं। कल जो को है ओके वो क्लास में जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे तो आप इनको एक बार रिवाइज कर लेना सर, ताकि वो क्लास जो है 15 से 20 मिनट में हमारी खत्म हो जाए, उसके बाद हम अपनी क्लास को वाइंड अप कर देंगे और नेक्स्ट डे से हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करने की पूरी पूरी कोशिश करेंगे। ठीक है? ओके चलिए ठीक है, थैंक यू वेरी मच। अगर किसी प्रकार का कोई डाउट नहीं है तो यू कैन लीव। सर, बाय सर। बाय बाय।